सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की। राग कामोल भजन बपुर बिन खे प्यास पूरब जी। पूर बिन खे प्यास पूरब जी। बेतरफ था काहिन कीन। बेतरफ था काहिन कीन। पूरब जा से पंध पुछाइन। पूरब जा से पंध पुछाइन। हर राम आस पूरब जी लाहिन कीन। आस पूरब जी लाहिन कीन। पूरब तरफ वजन से पुरंदा। पूरब तरफ वजन से पुरंदा। हर राम पुठते कदम हटाइन कीना। पुठते कदम हटाइन कीना। पूरब जी कन वीर वदाई। पूरब जी कन वीर वदाई। वाई बीवर नाइन कीना। वाई बीवर नाइन कीना। कहिटे ऊ कन आस पूरब खे। कहिटे ऊ कन याद पूरब खे। कहिटे ऊ कन याद पूरब खे। कहिटे ऊ कन याद पूरब खे। पूरब देश भुलाइन कीन। पूरब देश भुलाइन कीन। पूरब के प्यास पूरब जी। पूरब के प्यास पूरब जी। बेतरफ वाहवा बेतरफ। राग कामोल भजन दूसरा। पूरबन के प्यास पूरब जी। बेतरफ था काहिन कीन। इस भजन में संकेतात्मक भाषा में गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि जिनको परमात्मा की प्यास है, पूरब अर्थात जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है, जैसे सूर्योदय होता है पूरब में, तो ब्रह्मांड का प्रारंभ उस ईश्वर परमात्मा से हुआ है जो उसकी तरफ, ईश्वर की तरफ चलने वाले हैं। वो दूसरी तरफ चलने के लिए अपने मन को विचलित नहीं करते, मन को उस परमात्मा की तरफ लगाते हैं। पूरब जा से पंध पुछाइन। आस पूरब जी लाहिन कीन। तो परम शांति का केंद्र वो ईश्वर परमात्मा है जो स्वयं सत चित आनंद है। उन्हीं के प्राप्त करने से हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो उसका मार्ग पूछते हैं कि कैसे हम उस मार्ग पे चल के परम शांति को प्राप्त करें। वहां पर चलने की इच्छा को वो जागृत रखते हैं। पूरब तरफ वजन से पुरंदा। पुठते कदम हटाइन कीन।
वो निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, उस ईश्वर की तरफ चलते रहते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। पीछे कदम हटाना अर्थात संसार के विषयों का ध्यान करना, उस ध्यान संसार के ध्यान से विमुख होकर ईश्वर के सन्मुख होकर उन्हीं के ध्यान में वे मगन रहते हैं। पूरब जी कन वीर वदाई वाई बी वर नाइन कीन, हमेशा उस परमात्मा के लोक की वो महिमा करते हैं जहां पर जाकर यह जीव फिर वापस लौट के नहीं आता। यदगतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान कहते कि वो मेरा धाम घर है जहां पर आने के बाद फिर कोई जीव वापस नहीं लौटता, तो दूसरी कोई भी बात उन्हें प्रिय नहीं लगती, वह केवल ईश्वर से मिलन की बात करते हैं, उसी की तरफ अपने मन को लगाते हैं। कहे टेऊ कन याद पूर्वके पूरब देश भुलायन कीन, हमेशा ही उसको याद रखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसको कभी भुलाते नहीं। ईश्वर का चिंतन निरंतर उनके मन में प्रवाहित होता रहता है। तो इस भजन में उन संत महापुरुष जिन अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेमसा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।